जाना। अमावस पूनम का ऐसा योग क्यों बनता है? उसका कारण केवल एक, शिव महापुराण की कथा कर रही है। अमावस्या अधिक मास के 30 दिन पूरे हो रहे हैं, अमावस्या का दिन था, दूसरे दिन श्रावण का महीना वापिस चालू, श्रावण वापिस चालू होना था। दोनों का जब संयोग होता है, सावन के अधिक मास का जब संयोग होता है, विराम का दिन होता है। आपको कथा में भी पहले कहा, मेहमान तुम्हारे यहाँ रहते हैं जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं। मेहमान जिस दिन जाते हैं 200-500 रुपए बच्चों को दे जाते हैं। अधिक मास का विराम का दिन और सावन का वापिस मध्य का प्रारंभ का दिन वापिस हो जाता है। जब अधिक मास विराम होगा, सावन वापिस चालू होगा, उस दिन 33 कोटि देवता, यक्ष, गंधर्व, देवता, पितर सब उस दिन लुटाते हैं, संपदा देते हैं, वैभव देते हैं। और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का फूल शंकर भगवान पर चढ़ जाता है तो जिंदगी का सारा भंडार बाबा भर जाता है। एक पुष्प कनेर देखा है? पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा बाची है पहले, उसमें कनेर के फूल का भी दर्शन कराया था। ये रोड के ज्यादातर लोग ये कनेर का जो फूल है ना, रोड के बीच में लगा देते, क्योंकि उसको जानवर भी नहीं खाता, पशु भी नहीं खाता, पक्षी भी नहीं खाता, जहरीला इतना होता, पीले कलर का होता, लंबा, काम भी कुछ नहीं आता, बस वो कनेर का फूल। और आंधी तूफान पानी गिरता है तो जमीन पर टपक जाता है, ढेर सारे गिर जाते। देखे कि नहीं देखे? अरे बोलो तो जम के।